नमस्कार दोस्तों, मैं शारी प्रदीप और आप देख रहा है हमारा चैनल टेलनो। चांदनी रात तो सबको आकर्षित करते हैं, ऐसे तारों से भरा आसमान कितने को कवि बना दिया और कितने को एस्ट्रोनॉमर। गर्मियों के दिनों में तारों से भरा आसमान देखकर हम में से कितने लोग अपने घर की छत पर लेटा होगा। आज हम बात कर रहे हैं ब्राजील की 8 वर्षीय बच्ची निकोल ओलिवेरा के बारे में, जो दुनिया की सबसे कम उम्र की एस्ट्रोनॉमर बनी है। निकोल उसकी 2 साल की उम्र में आसमान की तारों को देखकर काफ़ी प्रभावित हो गई थी। वह अपनी मम्मी से उन तारों को पाने के लिए जिद किया था। उसकी मम्मी परेशान होकर अपनी बच्ची को एक टॉय स्टार दिलाई थी, लेकिन निकोल को तो आसमान में दिखने वाले असली तारों को पाना था। वेलकम बैक टू टेलनो, द मास्टर ऑफ मिस्ट्री। ब्राजील की 8 वर्षीय बच्ची निकोल ओलिवेरा दुनिया की सबसे कम उम्र की एस्ट्रोनॉमर बनी है। वह इतनी छोटी उम्र में नासा से संबंध कार्यक्रम में शामिल हो गई है और उसके परिवार के अनुसार वह पहले ही 18 एस्ट्रॉइड्स को खोज कर चुकी है। ब्राजील की फोटोलेसे में रहने वाली निकोला ओलिवेरा को बचपन से ही अंतरिक्ष में रुचि है। ओलिवेरा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लेती हैं और अपने देश के मुख्य अंतरिक्ष और विज्ञान हस्तियों के साथ बैठक करती हैं और बातचीत करती हैं। निकोल नासा से जुड़े एक प्रोजेक्ट में शामिल हो गई हैं। नासा के इस प्रोजेक्ट के नाम एस्ट्रॉइड हंटर है। इस प्रोजेक्ट में वह एस्ट्रॉइड की तलाश कर रही है। एस्ट्रॉइड हंटर्स नाम के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य युवाओं को विज्ञान से परिचित कराना है और उन्हें अंतरिक्ष में खुद की खोज करने का मौका देना है। पिछले साल अल्वोरिया ने विज्ञान मंत्री के साथ साथ अंतरिक्ष यात्री मार्कोस पोंडस से मिलने के लिए ब्राजील की यात्रा की। पोंडस अंतरिक्ष में जाने वाले एकमात्र ब्राजीलियन हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक निकोल कहती हैं कि वह एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहती हैं। वह एक रॉकेट बनाना चाहती हैं। इसके अलावा वह फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में जाना चाहती हैं। और निकोल ने ये भी कहा, ब्राजील में सभी बच्चे विज्ञान तक पहुंच सके। बता दें, नासा के एस्ट्रॉइड हंटर कार्यक्रम से जुड़ने वाली निकोल अपने वैज्ञानिक कौशल के जरिए 18 एस्ट्रॉइड्स की खोज कर चुकी है। अपने इस कारनामों के लिए उन्हें दुनिया भर में ख्याति मिली है। नासा अपने एस्ट्रॉइड हंटर कार्यक्रम से बच्चे को जोड़कर उनके वैज्ञानिक कौशल को तरसता है, जिससे कि ऐसे बच्चे को अंतरिक्ष की दुनिया में काम करने का मौका मिल सके और वे बेहतर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरफ की अपडेट न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल टेलनो सब्सक्राइब करने का विचार करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Goodbye.